बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 नवंबर 2023, समय हो गया है 06:57 PM। देखिए ऐसा है, जो कुछ भी चल रहा है ना, इसको मानो या ना मानो, ठीक है, नुकसान तो होगा, तो मुझे तो खैर क्या होना, क्योंकि ना तो मैंने भाई किसी के पैसे लिए, ठीक है, सारा खेल ना पैसे पे आके टिकता है, सारा खेल। इसको अमूल का प्रोटीन ला के दे दे, ऑनलाइन यही मिलता है। हाँ ऑनलाइन देंगे तुझे, कॉलोनी खाली नहीं करेगा ना, हम बताएंगे कैसे खाली कराते हैं। ना ना ये जो आ रखे हैं ना, ये कुछ एक लोनर्स जो हैं, लोन लेके ये बैठ गए, ठीक है, और बेवकूफ समझ रहे हैं मुझे। भाई साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बब्बर आजम अगर जिंदा हो ना, मैं लाइव कह रहा हूँ, मेरा नाम बदल देना, बब्बर आजम हमने मारा कल रात, मारा तो मारा, पैसा कहाँ है, 90 लाख करोड़, मामूली अमाउंट समझ रहे हो क्या भाई, तुझे पैसे की जरूरत, तू अपनी जमीन जायदाद लेके आया, हमने तूने गिरवी रखे, हमने पैसे दे दिए, चल यहाँ तक ठीक है, वो तो समझ में आ रही है, वो तो मुझे क्यों धमकी दे रहा है, मुझे क्यों गाली दे रहा है, मतलब दिमाग से जो इंटेलिजेंस टॉक चल रही है, वो ज्यादा ज्यादा बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर बन रहे थे क्या ये, अब भाड़ में जाने देना, फेक चल रहा सब, रिकॉर्डिंग चल रही है, टेस्ट मैच की रिकॉर्डिंग है, जहाँ हितेश खुद बैठा हो, जहाँ हितेश के ऑर्डर हो जाए, को बात टाल देगा क्या, बब्बर आजम जो है भाई साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज्यादा बड़े पहलवान बन रहे हो क्या पाकिस्तानी, पैसा लेना यार, पैसा लेना है तुमसे, जो तुम दबी आवाज में दिमाग से बहस रहे हो ना, और जो डिवाइस लगा के बकवास कर रहे हो, बेटा इंटेलिजेंस में ना ये सब खेले नहीं जाते, ये सब नहीं खेलने चाहिए, या आईबी को बुला लो, रॉ को बुला लो, आईएसआई बुला लो, देख यार किसे ही बुला लो यार, हमें तो पैसे से मतलब है, हमारा पैसा दे दे भाई, साफ सीधी बात, क्योंकि देख यार एक नियम होता है, ये पुलिस वाले भी जानते हैं, खारी बावली वाले हैं ना, खारी बावली पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहां पूछ लियो भाई, मरे हुए आदमी के बाल दांत सब बिकते हैं भाई, क्या करें, अब 90 लाख करोड़ पे जो है बब्बर आजम जो है अपने नाम पे कर रहा, मैं बब्बर हूँ, बब्बर खालसा का नया चीफ बन के आ रहा है, तो यार हमें मत बता यार ये सब, तू बब्बर खालसा है, तू आईएसआईएस है, लश्कर ए तैयबा है, तू क्रुसेडर है, तू तू एसपीजी है, तू आईबी है, तू रॉ, हमें मत बता यार, मेरा अगर खासम खास आदमी है तो जरूर बोलती हूँ वहां पे, एकदम खासम खास है, तो कहीं ऐठ में रहे ना, फिर मेरा खासम खास नहीं है, वो अच्छी तरह पहचान जाता हूँ, कुछ नहीं कहेंगे जाओ जी यार, फिर भी तू खुद सोच ना, भाई बंदी की भी बात करेगा यार, 90 लाख करोड़ रुपया कम थोड़ी होता है यार, यार 10-20 करोड़ रुपया हो तो चल यार कोई बात नहीं यार, 90 लाख करोड़, 90 trillions इंडियन रुपीज, अबे यार तुम्हारा प्रधानमंत्री 5 trillion की तो इकोनॉमी बनाने की बात कर रहा है यार, और खुद 90 लाख करोड़ का लोन डिफॉल्टर, तुम पागल वागल हो क्या यार, मैं क्या करूं मुझे ये बताना भाई, तू तू मोहम्मद वाला है, या तू अयोध्या वाला है, या तू क्या कहते हैं हरमंदर साहब से है, या तू क्या कहते हैं ना ये जेरूसलम से है, या वेटिकन से है, मैं काबा से, मैं करूं क्या, मुझे क्या लेना देना यार, बोले मेरे पैसे से मतलब है यार, तू पास पड़ोस की बात कह रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का नियम है ये बात, मेरी बीवी, मैं कभी मैं किसी दिन बैठा के मैं पूछूंगा, अपनी बीवी से बात करूंगा इस मामले में, अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बीवी बच्चों से बात करूंगा, आप मत बोला करो बीच में यार, ऑल ओवर वर्ल्ड में पास पड़ोस में जो है ना भाई साहब, एक गज जमीन दे देगा तुझे कोई,
है यार, 90 लाख करोड़ कह रहा हूं मैं, 90 लाख करोड़, 90 trillions। भाई सब में नहीं बांटा यार, पर्सन इंडिविजुअल को दिया है, तब मुझे बोलना पड़ा, मैं नहीं बोलता यार। ये सुबह सुबह पाकिस्तानी गैंग जो है, मैं तो अपना आराम से काम कर रहा, दूसरा सुबह सुबह पाकिस्तानी गैंग ने क्या करा, मेरे नाम से फीड रख दी और मेरी फोटो लगा के पूजा पाठ करके सामने बैठने लग गया। मैं सो के उठते के साथ ही मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया भाई, ऐसा ऐसा मामला है जी। यार जी पागल आदमी यार, यार हितेश रे वन से लोन गया अमान अकानी के थ्रू, कंपनी नहीं संभली, मैंने खरीद ली, पैसा मेरा है यार। यार तू अपने प्रधानमंत्री के पद पे बना रहा है, तुझे मना किया मैंने, तो यार तू अपने एसपीजी वालों को बोल रहा है या अपने पीपीजी को बोल रहा है या अपने रेंजर स्क्वाड को बोल रहा है, बहाने से जाओ वहां पे, हाँ, इस पे स्लिप में चप्पल फेंक दो, इसे गाली दे दो, इससे पूछताछ कर लो, तुम्हारी लुगाइयां पागल हो रखी हैं क्या? भाई तू होगा मिलिट्री जनरल यार, कंपनी मेरी है यार, 90 लाख करोड़ रुपया कह रहा हूं मैं, एक आदमी को दिया, और ऐसे भाई साहब पता नहीं कितने ही हैं। मैं मेरा घर है यार, मैं क्या बात करूं। और अगर बिजनेस में मैं इतनी तेजी से ग्रो कर रहा हूं तो यार तुम्हारे क्यों पेट में दर्द है यार? तू अपने घर के आगे गाड़ी तो बड़ी बड़ी पार्क करने देता है यार, और मैं तेरे पे 90 लाख करोड़ में भूल जाऊं तेरे और तेरी बीवी के, और बहाने से तू बेवकूफ बना रहा है, वैसे तू रिश्तेदार भी बनेगा, पड़ोसी भी बनेगा, जानकार भी बनेगा, और मेरी वाइफ से तू और मेरे बच्चों से सीधी बात छुपा रहा है, और तभी आवाज में तू सारी बात बोल रहा है। खरना का प्रसाद की बात कर रहा, मैं मुंह खोल के बोल दूं अब, पहले लोन माफ करियो तब खरने के प्रसाद को हाथ लगाइयो। मैंने हाथ ही जोड़ लिया, मैंने 90 लाख करोड़ भी नहीं छोड़ता भाई, इसी वजह से मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं, मैं तो ना खाता, लोन माफ करूं तेरा मैं, हैं? मैं छठ पूजा के उसमें आ जाऊं और लोन माफ करने आऊंगा तुम्हारे 90 लाख करोड़ रुपया होगी भाई किसी वजह से। यार जमीन बहुत महंगी है आज की तारीख में, 200 एकड़ जमीन में जो है 90 लाख करोड़ पता नहीं लगता, फाइनल स्लैब है अमान में और अक्कानी में। भाई जुआ तुम खेलते हो, वीडियो गेम तुम खेलते हो, गैम्बलिंग वर्ल्ड तुम खेलते हो, पत्तेबाजी तुम खेलते हो, यार बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो भाई। 90 लाख करोड़ कह रहा हूं मैं, अपने स्टाफ को भी आज समझाया है, मैं कहा इतने प्यार से लेके आ रहा है इसको, इतने प्यार से बात कर रहा है इससे, अबे 90 लाख करोड़ दिया है मैंने इसे, अब ये क्रिमिनल बन जाएगा, अब ये दे नहीं पाएगा ये पैसा, ब्याज देख रहा है 14% पर डे है, 8% पर डे, लिखियो जरा कागज पे, और चक्रवर्ती ब्याज है ये। अब ऐसे में मेरा एहसान अगर कोई नहीं मान रहा, मैं मान लो किसी का मैंने कह दिया, अच्छा देखेंगे भाई ब्याज आके दे जाएगा ऊपर, तू फोन नहीं जाएगा तब जा तू, वो उसके एंगल से पता नहीं कौन कौन सा, मैं भारत का नागरिक है ये कैसे नहीं माफ करेगा, हिंदू है यार, मेरा देख मूड मत खराब कर। मैंने एक दिन नहीं पूछा किसी से, तुम लोन माफ कराने के चक्कर में प्रेशराइज कर रहे हो, पूछियो जरा कौन है वो औरत, ना बोला तूने? आज ईबिक्स कैश में एक बंदा पिटा, कल जब मूड खराब हो गया मेरा बीकानेर वाले पे और अग्रवाल स्वीट वाले पे, भाई साहब सब सब काट कूट के जो है ना, मैं कहा बेच दे बे भैया, आखिरी आखिरी तक पैसा वसूल लेता हूँ मैं तो, बहुत महंगा बिकता है, 8 मिलियन 9 मिलियन पर केजी है यूएस डॉलर, इतना महंगा है, मैं यार कुछ तो देगा, मतलब अग्रवाल स्वीट वाले ने के घर परिवार ने पैसा लिया हुआ है ब्याज पे, पैसा दे नहीं रहा है, ऊपर से जब मैंने उस आउटलेट पे
अपनी एक आउटलेट खोलने की बोला। मैंने कहा एक काम कर, 90 ट्रिलियन के 2500 पैकेट यहाँ रख दे और 2500 बीकानेर वाले पे रख दे, मैं खुद बैठूंगा। तो लार ऐसी गिर गई, सब वहीं पहुंच गए। मैं कहा यार अब लेके आ इसको, तल दी बीकानेर वाले की भुजिया ढंग से, ना तली हो तू नाम बदल दे मेरा, जानता भी है किससे बात कर रहा तू। यार मैं तो तुम्हें कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो अपना टहल रहा हूं, तुम मेरे कंपनी में गए हो, मेरे ऑफिस में गए हो, वहां से लोन लिया है ना, भाई यहां क्यों बहस रहे हो? मेरी इतनी कंपनियां हैं तुम सोच भी नहीं सकते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली तक खरीदी हुई है मैंने, इतना पैसे वाला आदमी हूं। यार फिर वही बकवास, फिर वही बकवास। यार एक पूरे घर परिवार का 90 लाख करोड़ हो ना किसी का, रिश्तेदारी में कह रहा हूं, चल यार देख लेंगे। यार भाई ने पैसा ले रखा, बाप ने पैसा ले रखा, बीवी ने पैसा ले रखा, बेटी ने पैसा ले रखा है, सब ने अपने अपने उसमें पैसा ले रखा है, अपने अपने जमीनों पे। पर क्या जवाब दूं? और दिमाग से मैंने कल इतनी बात तक कह दी। अबे मैंने कहा यार 90 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड रखूंगा क्या, बेवकूफ समझा है क्या? यार मैं मनी माइंडेड आदमी हूं, मैं पैसे को पहचानता हूं और किसी को नहीं पहचानता। मैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर के अंदर ना अपना मस्त आराम से बैठा रहता हूं। मैं खुद कई बार सोचता हूं, मैं अपनी वाइफ से पूछूं, मैंने कहा देवी जी आपको मालूम भी है सिचुएशन क्या है, आप असलियत नहीं जानते हो, तो फिल्मी डायलॉग नहीं चल रहा ये, या तो आप सुनना सीखो, इनके इनके मन की बात सोचो। यहां ऑफिस तो है नहीं, अब हक्कानी का एक पॉइंट ये बनने वाला है, अब ये बनने वाला है तो ये थोड़ी है कि उसमें मेरी बीवी जो है कहते कह देगी किसी का भी लोन माफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, यहां इसी का नीचे बनेगा और रास्ता यहीं से है। है तो है यार, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोनर्स हैं हमारे, करोड़ों कह रहा हूं, इतनी संख्या हो चुकी है। आते हैं रोज, आते हैं पैसे लेके आते हैं, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 400 करोड़ एंट्री देनी है, जाइए सर, जबकि ब्याज बहुत बनता, हम कुछ नहीं बोलते, ब्याज का बिजनेस ये है, आ रहा है ना पैसा, यही समझाया मैंने टीम को, पैसा दे गया है ना, जान दे। अब जो ये कह दे कि मैं अमान को नहीं जानता, मैं हक्कानी को नहीं जानता, मैं हितेश रे वन को नहीं जानता, क्या है बे तू, है मैं यहां ये हो रहा, मेरी ये फिल्म चल रही है, अबे फोन नहीं उठा रहा तू, क्या बात कर रहा तू, कभी तू कैमरे से ही बाहर नहीं आ रहा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, नहीं चलता यार ये सब। अपने आप यार हफ्ते में, महीने में, अब तो हफ्ते में 10 दिन में 3 बार फोन आते हैं आपके पास, मैंने बनाया नहीं भाई, 3 बार फोन आ रहे, 30 बार आके पैसा दे जा भाई, तूने कह दिया भैया महीने के आखिरी में आ रहा हूं, अबे महीन मंथली ब्याज नहीं है बे बेवकूफ, पर डे है, पर डे ब्याज चल रहा है, पर डे मेरा बिजनेस है तो है। अब उसके लिए तुम ये कहो कि इसके घर का रास्ता रोक दो, पानी रोक दो, इसके घर के आगे कचरा फेंक दो, हाँ भाई मैं वही हितेश हूं, एक A204 गली नंबर 5 में रहता हूं, अमान का लोनर है और वहां मैं बैठा हूं, मुझे पहचान रहा है, मेरी फोटो भी देखी, सब कुछ है, बता के भेजते हैं कि आप हितेश भाई का भाई के घर के पास रहते हो आप, बदतमीजी मत करना वहां पे, फिर मेरे से पूछताछ कर रहा है, कह रहा वहां पे असोला में तू बैठा कैसे, अच्छा जी फिर मेरा पीछा कर रहे हैं। मरियम नवाज जी ठंडे दिमाग से सोचना, आपकी हर एक बात का मैं जवाब दे सकता हूं। 90 ट्रिलियन छोड़ दोगे आप पैसा? मैडम कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट नहीं, मेरी अपनी टीम है शुरू से, कोई ISI और क्या कहते हैं आरिफ अलवी और इमरान खान ने, भैया देख ऐसा है पैसा लिया दे दे, बात खत्म है, हम क्यों तेरे लिए वीडियो बनाए, हम क्यों बोले, कल 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 कर दिया अग्रवाल स्वीट वाले का पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया, और अभी तक चल रहा है, मैंने बुला एक एक को, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुला, पैसा लिया यार तूने, बकवास कर रहा तू,
उसके बाद इसके हलवाई बुला सारे, और ये जो दोनों आउटलेट है ना, इन दोनों आउटलेट में काम करने वाला बुला, पहचानता नहीं है मेरे को हैं? फिर बकवास कर रहा है, फिर बकवास कर रहा है। कल इसकी मैंने बीकानेर वाले की इच्छा पूरी करी दी, ए टू जेड बुला लिए, मैं कहा लेके आया इसको, मैं आराम से नहीं। अरे मैडम जी, मिनिमम 8 मिलियन US डॉलर पर केजी है, लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस इंसानी मांस बेचने का, काट दे। जब मैं उतर गया ना बात करने के लिए, तो आखिरी यही करूंगा। मैं आपको भी समझा रहा हूं जनाब, किशन पहलवान है, बहुत खुशी की बात है। पैसा होगा आपके पास, नहीं होगा आप समझो, मूड मत खराब करो। नहीं तो 8 मिलियन US डॉलर ना पर केजी, और भाई साहब 110 किलो वजन सुना मैंने आपका, इतना ही बहुत है। धमकी, क्या बात कर दी यार तूने। मैं वसूलने का तरीका बता रहा हूं, इतेज बात कर रहा हूं मैं, ये इद्दा पिद्दा ना बोला कर मुझे, समझ में आ गई। कल तेरे एसपीजी वाले जो चौड़े हो रहे थे, मुझे नहीं पता तू मेरी साइड है कि मुझे, मैं नहीं जानता तुझे, पैसा कहाँ है, बदमाशी दिखाएगा। अबे यार, मैंने अग्रवाल स्वीट वाले को तो कुछ समझाने हो रहा, तू आ नहीं रहा है, यहां नहीं मारूंगा रोड पे, तू एक बार ऑफिस आ जा, और मैं भी देखू ना कितना बड़ा बदमाश है, तू वापस जाके दिखा दे, तू पेट में ही है फिर। अब बहुत पैसे वाले लोग हैं, लोग 8 मिलियन से तो ऑक्शन शुरू होती है, ऑक्शन। मैं चौड़े में कह रहा हूं, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। खुद उसके बीच में जो है, उसके बीच में जो है ग्रुप बना रहे हैं, नहीं नहीं सब एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, पैसा नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा जी, अब इसके नजदीक ही रहो तब बचे रहोगे। अच्छा जी, अमान का यहां भी जो है ना एक रिकवरी सेंटर खोलियो, जरा बोले यहां पर रेजस को, अमान और अक्कानी के रेजस बुला, यहाँ छतरपुर एनक्लेव फेस वन में ही बोले जरा। नहीं मैं बताता हूँ ना इन लोगों को भी, राजपुर खुर्द में भी सबको भी। यार मैं चुपचाप जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे जा रहे हैं, मैं तो पागल वागल हो क्या तुम, मैंने कुछ कहा तुम्हें है? यार ऑफिस का मामला है, ऑफिस से पैसे ले, वहां जाके दे दे, जरूरी है दिमाग लगाना मेरे से। रास्ते में जा रहा हूं तो कभी रास्ता काट रहा, कभी जेस्चर दिखा रहा, कभी स्टाइलबाजी दिखा रहा, कभी ग्लास वीडियो चला रहा है, कभी वॉइस चला रहा, कभी स्पीकर ऑन कर रहा है। अरे भाई अपने काम धंधे पे ध्यान दे ले, जिसके लिए लोन लिया है, घूमने के लिए लिया है, घूमने चला जा। टूरिस्ट पे हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं कि सर पेमेंट नहीं आई है, पर ये सुनते ही नहीं है। अरे यार मुझे क्या लेना देना तेरे नेशनलिज्म से, मेरे क्या मतलब है, मेरे क्या मतलब है। कल ना कल खुजली मिटा दी मैंने इनके एसपीजी डिपार्टमेंट वालों की, बढ़िया तरीके से। एक तो ये था, क्या नाम है इसका, संजय था, एक संजय सिंह था एक बंदा, एक निर्मल रोहतान था, मत मिटा दी खुजली इनकी, बढ़ा दिया इनका कमांडो मैंने बढ़िया वाला। चलियो जरा बे, अब जिंदा हो तो साबित कर दियो। अबे पैसा लेना है यार पैसा, यहां मशीन लगने की बात हो रही, मैंने कहा यार मेरी मशीन लगा के बात खत्म कर, मैं आ गया काम। वो कह रहा भाई एक एक ट्रिलियन की मशीन लगा रहा है, मकान इसका कब्जे में ले ले। अमान का लोन है ना वो ऑरेंज बाल वाला, वो कह रहे ट्रैक सूट पहन के घूमता है, हाथ में डंडा ले रखा था एक और पानी की बोतल। अमान का लोन डिफॉल्टर है, पार्क में घूमता है, वहीं बैठे ही हो जरा बंदे। बहुत सी आंटियां और बुढ़िया भी आती है सब, शाम को पता है अमान और अक्कानी वाले आएंगे यहाँ पे, पूछताछ करते हैं भाई साहब ब्याज देने क्यों नहीं आए, ड्यूटी ड्यूटी ऑफ टाइम होता है, बस शाम को 4 बजे के बाद सबके सब वो जंगल में चले जाएंगे आखिरी में, सब जंगल में, और 7-7:30 बजे के बाद वापस आते हैं। ओ भाई ठीक है यार, दुआ सलाम नमस्ते है कर ली बात, तो मैं किस्त माफ कर दूं क्या,
आप कह रहे हो जी महीने के आखिरी में आऊंगा। ओ भाई पर डे की किस्त है यार, पर डे की किस्त है। मेरसेंस वाला है ना, आज मेरसेंस वाले की खुजली मिटा दूंगा मैं दिमाग की हमेशा के लिए। मैं अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सारे एम्प्लॉयज को कह दे रहा हूं, कंपनी मेरी है। और बेटा ये जो पिछले वाले थे ना, ये सब के सब थैले में पैक कर दिए गए हैं, ठीक है। और भारत सरकार राष्ट्रपति भवन को मैंने जो है अपने लाइसेंस चेक करवा दिया, सारे लाइसेंस चेक करवा दिए। मैं कहा जी मेरे लाइसेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे लाइसेंस सारे हैं अभी, ठीक है। और वहां जो कह गए थे दिमाग लगा रहा है ना मालिकाना हक का, कहते हैं क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। मारने पे उतर गया ना बेटा, बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। इसने क्या करा, वो 2500 ट्रिलियन के, वो 2500 पैकेट जो 90 ट्रिलियन के ऑन होने, इसी बीकानेर वाला मिल्क मलाई वाला जो है इसके नीचे वहां जो ऑफिस बन रहा है, सबकी लार टपक रही, कह रहे देखते पैसा लेके कैसे जाएगा। तू कैसे लेके जाएगा ये बताना। तो वो बीकानेर वाला जो है गाड़ी लेके इधर और मैदानगढ़ी में आ जा रहा, कभी प्रधान से बात करे, प्रधान कह रहा हम देख लें। क्या देख लेगा भाई, 420 क्या देख लेगा। बैंकिंग बैंकिंग से आया हुआ है पैसा, मेरा पैसा है, क्या देख लेगा। पूरे स्टाफ को उठा इसके, बीकानेर मिल्क मलाई वाले के और इस अग्रवाल वाले के। हाँ बे बुलाया था ना मैंने, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर और बीकानेर आखिरी चेतावनी जारी कर रहा हूं इन दोनों आउटलेट को। यहां से जा रहा चौड़े में बदमाशी दिखाता हुआ जा रहा मेरे को, कह रहा हितेश रे वन को तो यूं हटा देंगे। मैं अच्छा जी हाँ चूचू भी मैं यूं। अबे तो जो दिमाग से बोल रहा है समझ नहीं आ रही तेरे हैं? ओ तू छोड़ दे, वो कारीगर की चिंता छोड़ दे, हजारों कारीगर है मेरे पास, कारीगर की चिंता छोड़ दे। समझ में आ गई, लेके आवे कौन तो कौन कौन था लेके आ इनको, यही कोल नहीं नहीं छतरपुर एनक्लेव यहीं पे नहीं, दूर दूर से आके कह रहे हैं इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाओ। ये किशन पहलवान का दिमाग, और यहाँ कई और नेता है, दूर दूर से आके कहा यहाँ इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद कहीं मत जाओ, फोन ना उठाओ, बुलावे रेजर्स यहीं खोलवे स्लॉटर हाउस, चल बे अमान का ऑफिस यहीं खोल नीचे, और यहीं से सरेआम रास्ता बता रहे हैं यहाँ से आवे ब्याज देने के लिए। ये इनकी ऐसी की तैसी, तुम नहीं आओगे हम आ जाएंगे पैसा लेने। करा संगम विहार दूर पड़ रहा है छतरपुर इनके लिए, फेस वाले वालों के लिए, यहीं आ गए हम, क्या बात कर दी, खोलवे यहाँ पे रिकवरी ऑफिस। हाँ और ऐसी जगह खोली होगी राजपुर खुर्दर, इससे मिलता जुलता हो बड़े प्यार से अमान और हक्कानी का, और निकाल और पैकेट भी। ना ना देंगे नहीं पैसे, अब नहीं देंगे ये, इनकी नियत पता लग गई मेरे को। अबे काम धाम करते नहीं है, हैं अपने बिजनेस पे नज़र बना के रखते नहीं है, पैसा कहाँ से देगा यार कोई। कंपनियां हमने भी चलाई हुई हैं, किराएदार इनके पैसा नहीं देते, जहाँ पे मकान किराए पे चढ़ा रखे हैं, लोन डिफॉल्टर्स को मकान में ला के रखा हुआ है, पैसा आएगा इनके पास। पैसा कमाने से आता है, कमाने से आता है, किसी की औरत छेड़ने से पैसा नहीं मिलता। अब एक दिल्ली पुलिस की सैलरी लेकर के कह रहा था अभी जा रहा हूं मार्केट में रिकवरी के लिए, क्या लेके आएगा बतू। एक बार एक आया लेकर के, यही विनोद गुप्ता 3000 रुपए लेके आया है, क्या करें जी इसका, कर ये कमाई नहीं हुई, चल पे फिर। ऑटो लोन ओए रिकवरी पॉइंट, ऑटो लोन, प्रॉपर्टी लोन, मंगल बाजार और वीकली मार्केट, ये तीन ठीक है। अमान अक्कानी और रितेश रेवन यही खोल नीचे ऑफिस, यही खोल, चल बे आ पेमेंट देने, मशीन लगा एक और, नहीं नहीं यहाँ नहीं, इधर दूसरी तरफ खोल, सुनाई नहीं दे रहा इनको। मैं इसको उस दिन भी इशारा कर रहा, मैंने कहा देख मूड खराब हो गया ना मेरा, मैं अकल ठिकाने लगा दूंगा सबकी एक एक की। करा वो तो हमारा पिछला बॉस है ना, पैसे नहीं लिए क्या उसने,
कह रहा आउटलेट नहीं मिलती, लेना फिर लेना। श्याम सुंदर था नाम, था बीकानेर वाले का नाम था ना श्याम सुंदर बीकानो है, और अशोक अग्रवाल, यही दो थे ना। चल पूरे कर दिए हमने, और अभी भी रुकेंगे नहीं। पैसा कहाँ है बे, तो चुपचाप पैसा दे रहे। नियर खराब हुई, कहता ना तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान, तू साला काम से गया। ना 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 नहीं निकले मुंह से, ये मत बोलियो। अभी आजकल जो है ना हमारे आस पड़ोस भी बहुत बोल रहे हैं, अबे देख लेंगे अमान को और अक्कानी को, तू नहीं आएगा हम आ जाएंगे, फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, खोल नीचे यहीं पे और यहीं बुला इनको, यहीं टहलते रहते हैं दिन रात, यहीं टहलते रहते हैं। इधर आबे मशीन में चेक नहीं करवाएंगे, यहीं बुला आ जाबे। नवाज शरीफ यहाँ घूम रहा है, नहीं नहीं इसका भाई मारा हमने, अल सलीम जी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अक्कानी जी आप बात मान जाओ मेरी, लोगों की कमी नहीं है, पैसा रिकवर हो चुका है, मैं कर लूंगा अपने आप, पैसा फाइनेंसर मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो। मारना तो मारना है, फिर मार मुर के खत्म करो यार, कंपनी पे नुकसान हो रहा है आज बड़ी मुश्किल से 24% की रिकवरी हुई है आज, अमान को अमान का ग्राफ 24% ऊपर हुआ है, सोच लो अक्कानी में 42% है, वैसे तो 36 है टोटल, रात होते होते 42% हो जाएगी रिकवरी, है तो है, है तो है, बताओ। नहीं नहीं वो मेरा हितेश रेवन लोन वाला और ये कैसीनो जुड़ा हुआ नहीं है, कैसीनो का मामला अलग है, ये तो सॉलिड प्रॉफिट अलग चल रहा है। ये इतना दिमाग लगा गया बीकानो वाला, खुद उठ के आया भाई साहब ये बीकानेर मिल्क मलाई वाले के वहां पे। हाँ हाँ और बोल के गया कराओ, रुक जा उसके साइड वाले भी रुक जा अभी अब मेरी बारी है, ना ना मेरी बारी है, बहुत बोल लिया तुम सब, खोल में यहाँ पे बुला रिकवरी वाले, चलो रेजस आ जाए बे। ना ना एक डेस्क यहाँ लगा रहे, वो कहाँ वहाँ लगा रहा, इतनी दूर यहाँ लगा दे, एंट्री यहाँ से खोल दे एक, चलो बे। बहुत बहुत दिक्कत होती ना इनको, हाँ हाँ किशन पहलवान जी को दिक्कत होती है, आइए भैया आइए। ना ना भाई तूने नहीं देने वो एक अलग बात है, फीड का चला रहा है वो एक अलग बात है, पैसा कहाँ है मेरा, ना मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा कहाँ है मेरा, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, क्या वीडियो है क्या है जे सात सिक्योरिटीज क्या पैटर्न क्या 3 करोड़ क्या 5 करोड़, ये असली वाली वीडियो मुझे मतलब नहीं है। वेयर इज माय मनी है, वेयर इज माय मनी, जब पता कर ले। नहीं नहीं ये मेरसंस वाले को भी बुलाता हूँ आज, ऐसा बात नहीं बनेगी। मैंने देख मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ भैया, ये मूवेबल होगा रिकवरी पॉइंट, हाँ यहाँ छतरपुर एनक्लेव फेस वन के यहाँ नीचे लेके आवे एक एक को। हाँ भाई नहीं ना कोई हो गोयल एजेंसी पोयल एजेंसी, ऐसे बात नहीं बनेगी। वसूल लिया बीकानेर वाले से पैसे ढंग से, अब आउटलेट कब्जे में, अब इसके एम्प्लॉयज को पूछ ले, बस ये समझ लो यहाँ जब्ती जिस दिन हो गई, एक जब्ती हो गई तो समझ लो कि क्या कहते हैं बढ़िया पैसे की रिकवरी। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये नीयत खराब हो चुकी है इनकी, समझ में आई। बहुत दूर दूर से आके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है हाँ, लोन देना नहीं, ब्याज वापस करना नहीं है, ब्याज वापस करना नहीं है, तरह तरह के मंत्र तंत्र, ठीक है, और वो क्या नाम है गैंग और पैंग और ये और वो, भाई पैसा कहाँ है वो, कुछ नहीं। और ऐसे करके मैं चौड़ा होकर के चल रहा हूँ, ऑरेंज बाल वाला मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल टहलने आया, मैंने कहा क्या बात छेड़ो उससे, अमान का लोन डिफॉल्टर है, करा बुलैया लड़कों ने, और लड़के भी अमान के लोन डिफॉल्टर रखा नहीं के उनकी बीवियां,
और एक मैडम जो है ना वो पिंक कपड़े में, ओ मैडम तमीज सीख ले, मैं उधर से पीछे जा रहा, मेरे को देख लिया और आ गई जो अगने बैठ गई, अच्छी खासी शक्ल सूरत की है, ऊपर पता क्या करी, जहां मैंने अग दिया वो जमीन मेरी हो गई। तमीज नाम की चीज नहीं है तुझे? मैं फिर रास्ता घूम गया। क्या है? थैंक यू। ये नियत है, कह रही और दो चार जगह हक के आऊंगी मैं। और अक्कानी की लोन डिफॉल्टर, अक्कानी साहब समझा ले यार अपनी लोन डिफॉल्टर्स को। अरे यार पैदल चल जाने वाला रास्ता समझाता क्यों नहीं भैया? इंटीरियर मिनिस्टर समझाओ यार समझाओ। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं और कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं ना। और क्या, मिनट में पैसा आना शुरू हुआ। ये वो लोग हैं यार, पैसा तो कमा के इनकी कंपनियों ने ही देना है, ये आदमी थोड़ी पैसा कमा के देगा, जब्ती ले उड़ा दे इनको। और क्या, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले, बात एक ही है, बात एक ही है भैया। हाँ ये यार बीकानेर का पैसा नहीं आने दे रहा था ये, और ये अग्रवाल स्वीट वाला अशोक अग्रवाल पैसा नहीं आने देता अग्रवाल स्वीट का, अपने अपने वॉल्ट बना रहा था, अब पहुंचेगा पैसा? हाँ बे, ये दो आउटलेट है ना, ये दोनों, इन दोनों आउटलेट का पैसा यहाँ चाहिए कैश, जमीन के नीचे नहीं, दरवाजा ये है, सुन ले बे कान खोल के, ओए ओए सुन ले कान खोल के, प्यार से दरवाजा नॉक कर, पैसा रख वॉल्ट में बैग में, और यहाँ हितेश नाम है, हितेश रे वन, फाइल चेक कर ले, और बात सुना बाकियों को, ओनरशिप में वहां जाकर बता देना, समझ में आई? बता देना वहां पे अमान और अक्कानी दोनों जाकर बोल के आओ, आप बंदा भेजो साफ साफ बोल दो, और नहीं तो वही हाल करूंगा जो इसका किया है श्याम सुंदर अग्रवाल। हाँ श्याम सुंदर अग्रवाल गोयल है, श्याम सुंदर गोयल पता है यार 90 ट्रिलियन के 2500 पैकेट की, मैंने कहा आउटलेट खोलता हूँ एक ईबिक्स की, आउटलेट के मूड में था मैं, मैं कहा ईबिक्स की है, मैंने कहा यार कंपनी बहुत घाटे में जा रही है, ईबिक्स अभी अभी उठाई है, नहीं उठा ली ईबिक्स, उठा ली मैं कहा बहुत घाटे में जा रही है, मैंने काम शुरू करूँ? नहीं नहीं वो बहुत बहुत बड़े बड़े काम है उसमें, ऐसा ही नहीं है सिर्फ गेमिंग वर्ल्ड नहीं है, मैं कहा यार काम शुरू करूँ, कंपनी खरीद ली मैंने, ईबिक्स भी खरीद ली और V5 ग्लोबल भी खरीद ली, डील हो गई ठीक। और यार वो मारुति में सीधा सीधा पहुंच गया वो आउटलेट के पास, करे ये आउटलेट मत दियो किसी को। एक ये क्या नाम है कौशल कम्युनिकेशन ईबिक्स वाला, तू पागल वागल है क्या हैं? तू पागल वागल है क्या? जब्ती हो चुकी है कौशल कम्युनिकेशन की, फिर बैठा हुआ है। इसको बोला मैंने कहा बंद करके चाबी भिजवा दियो, ये 3-4 दुकानदार है, तुम्हारा काल आ चुका है, मैं उसी के यहाँ जाता हूँ जो सबसे ज्यादा हरामखोर होता है, याद रखियो कौशल कम्युनिकेशन दुकान बंद कर चाबी यहाँ, और नहीं तू अरेस्ट है और तू साला काम से गया, ऑर्डर ये है तेरे लिए, और नहीं तो सोच ले फिर, तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान, तू साला काम से गया, कोई लिंक नहीं और कोई इधर उधर नहीं, बहुत स्टाफ है मेरे पास ठीक है। हाँ और फटाफट बुला कर इनको लेके आ, चला भैया ऑफिस यही है नीचे, क्यों नहीं आया था दिन से? अबे भाई तेरा छट पट लट घट जो भी है तू कर, हमें मतलब नहीं है, चाय पीजिए भाई, तू जो भी कर हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे पैसे से मतलब है। वो मैडम जो आती है साफ सफाई वाली है, अक्कानी की लोनर है मैडम जी, मेरे ही लाइसेंस पे बिजनेस करोगे और मेरी कंपनी का लोन ले रखा, तो लाइसेंस का पैसा कौन देगा? मैं क्या लाइसेंस दे करके नौकरी दे रहा हूँ क्या किसी को? करोड़ों अरबों रुपए का लाइसेंस सही है,
नार्कोटिक्स का लाइसेंस देने ना, पैसा कहा है? तो पैसा वहां किस्त में दे आए, थप्पड़ दे खींच के, नाम मत ले दियो, हितेश रेवन का लाइसेंस है, मेरा ही पैसा, मेरा करोड़ों अरबों रुपए का लाइसेंस है, उसी पे जो है ये नार्कोटिक का सामान बेचेंगे और उसी से किस्त पे करेंगे। ज्यादा सियाणे हो रहे हो तुम? जी हाँ, वो पहले ही बोल दिया था मैंने। अभी पेप्पा का पैसा कितना हुआ? जो भी परसेंटेज लेंगे लेंगे है? तो भाई यारी दोस्त बात मानती भाई, तेरी किसान पहलवान है तो 90 ट्रिलियन भूल जाऊं क्या? ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 90 ट्रिलियन की बात और कर रहा हूं मैं, कहां दिमाग है भाई साहब, 90 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। और मेरा लाइसेंस यूज करेगा, फिर पैसा कमाएगा और जाकर के वहां अमान में धमकी दे के आएगा, एक बार मान के ऑफिस आ जाइए फिर बताता हूँ। नहीं वो 18 तो नहीं मिलते तुझे, मैं कह रहा हूँ तुझे, वो 18 लड़के पूछ रहे हैं ना, काट दिए, बेच दिए हमने तो, हमने सोचा किस्त भेजी है तूने, यार मैं तो सोच रहा 18 तूने किस्त भेजी है, सोलह सौ रुपए किलो से लगा ले, 1600 रुपए किलो है सरकारी रेट। यार मैं तो यही समझा किस्त भेजी तूने वो 18 लड़के जो थे, मैं कहा दे दे तो और क्या, मैं चाहे कितने का भी बेचूं, मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा ना, मतलब मैं अपने लाइसेंस पे तुझे प्रॉफिट कमा के दिखाऊं, मैं इतना बेवकूफ हूं, यही काम है मेरा तो। अच्छा ज्यादा समझदार हो भाई साहब, हम तो बेवकूफ है ना, जब बोल दे जिस मर्जी तो, 18 लड़के भाई मैं तो किस्त भेजी इसने, जरा किस्त भेज रहा हूँ ले ले लेना, ले मैं कहा चाहिए किस्त है, मैं कहा ले लेना भाई, और हो तो भेज दियो, हाँ पी रहा हूँ, अरे बहुत सारी किस्त भेजी हुई है, हाँ हाँ बोलो, यार तो किस्त भेजी थी ले ली हमने, क्या कह रहे वो उधर चले गए, वो क्या बोलेंगे, हाँ निकाल दिया और क्या, नहीं चाहिए होता है ना लोगों को पूजा पाठ करने के लिए, तंत्र मंत्र के लिए चाहिए होता है ना इंसान का मांस, ले जा हमें क्या मतलब, मेरे को जरूरत नहीं है, बहुत महंगा बिकता है। लोग बाग तो भाई साहब अपने कई कई फार्म हाउस लिख देते हैं, कह रहा भाई साहब 2 किलो बस, 2 किलो चाहिए, हाँ अच्छा जी, ना बहुत दूर दूर से आ रखे हैं, कुंफू फाइटर भी हैं भाई, तो कुंफू जानता होगा यार, तू बॉडी बिल्डर है भाई, तो मुझे क्यों दिखा रहा है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, अच्छा
हैं, बात कर लेंगे, पैसा जमा जाना चाहिए, ठीक है।